हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फुल लेसन द अवेकनिंग ऑफ वुमेन अब इस लेसन को आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप सो इस माइंड मैप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सो इफ़ यू जस्ट लर्न दिस माइंड मैप देन यू कैन आंसर एनी एनोटेशन एंड एनी क्वेश्चन एंड आंसर ऑन योर ओन ओके सो द अवेकनिंग ऑफ वुमेन अब ये जो है लेसन ये एक ऐसे है जिसे के एम पानिकर ने लिखा है अब के एम पानिकर कौन है के एम पानिकर वो एक प्रोलिफिक राइटर है वो ना सिर्फ़ एक राइटर है प्रोलिफिक यानी कि वो एक आ, ऐसे राइटर हैं जो कि क्वालिटी वाला काम लिखते हैं वो एक डिप्लोमेट है हिस्टोरियन है वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं वो एक स्टेट्समैन भी है यानी कि वो एक एजुकेटेड रेस्पेक्टेबल इंडिविजुअल है जो कि एक पॉलिटिकल लीडर भी है एंड वो एक राइटर भी है और उन्होंने लिखे हैं मोर दैन फिफ्टी बुक्स मोर दैन फिफ्टी बुक्स एंड आर्टिकल्स मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में उनका जन्म ट्रैवन में हुआ है और उनकी एजुकेशन मद्रास में भी हुई है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी तो अब ये जो ऐसे है द अवेकनिंग ऑफ वुमेन ये औरतों की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया कि कैसे औरतों की जो पोजीशन है वो एक लो पोजीशन से हाई पोजीशन पे आ गई कुछ मूवमेंट्स होने के बाद वैसे तो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं औरतों के लिए लेकिन फिर भी वो सारे मूवमेंट्स जो है वो फ़ेल हो चुके थे और औरतों को अपनी रिकग्नेशन अपनी इक्वालिटी अपने राइट्स हर चीज़ मिली है दो मूवमेंट से जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहला है गांधीन मूवमेंट ओके जिसे हम नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं जो कि आज़ादी की जंग थी अब ये चला है मोर दैन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओके मोर दैन पच्चीस साल सो so, ये मूवमेंट में गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना वुमेन भी पार्टिसिपेट करें भारत को आज़ादी दिलाने में तो पहले तो गांधी जी बहुत ज़्यादा डुबियस थे डाउटफुल थे कि पता नहीं जो औरत इतने सालों से पर्दे में रहते आई है पर्दे सिस्टम में रहते आई है वो अचानक से बाहर निकलेगी तो वो कैसा परफॉर्म करेगी लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि औरतें किस तरह जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ किस तरह औरतें हर जगह फैल गईं गांधी जी ने नोटिस किया कि वुमेन तो हर जगह जा चुकी हैं हर जगह नेशनल मूवमेंट में वी कैन फाइन वुमेन वो लिकर शॉप्स के बाहर जाती हैं ब्रिटिशर्स के और लिकर शॉप्स के बाहर प्रोटेस्ट करती हैं ना सिर्फ ये उन्होंने फॉरेन गुड्स फॉरेन क्लोथिंग को बॉयकॉट किया है और इसके अलावा उन लोगों ने हर जगह हर रूरल एरिया अर्बन एरिया में जाकर लोगों के अंदर पैट्रियाटिज़म जगाई है देश के लिए प्रेम और फीलिंग और सब लोगों को इकट्ठा किया है इन यूनिटी ताकि फ्रीडम इंडिया को मिल सके तो ये गांधीन मूवमेंट की वजह से वुमेन की बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है वुमेन को आज़ादी भी मिली है सोशल स्लेवरी से सोशल स्लेवरी यानी कि इंडिया में जो कस्टम्स थे जो रूल्स थे जो रेगुलेशंस थे वो वुमेन को ग़ुलाम बनाते थे उसके लिए रिस्ट्रिक्शन रखते थे कि उसे किचन में ही रहना है उसे घूंघट में रहना है पर्दा सिस्टम को फॉलो करना है ना सिर्फ एक रिलीजन हर जगह औरतों का यही वो था इंडिया में तो ये गांधीन मूवमेंट होने के बाद में औरतों के लिए नए लॉज बनाए गए उन्हें आज़ादी दी गई मैरिज के लिए पहले तो चाइल्ड सिस्टम होता था चाइल्ड मैरिज होती थी बच्चे पैदा होते ही उनकी शादी करा दी जाती थी फिर वो सिस्टम को चेंज मिला गांधीन मूवमेंट के बाद अब औरतों के कॉन्सेंट के हिसाब से यानी कि उनकी परमिशन के हिसाब से मैरिज होगी एंड उन्हें पहले एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी अब वो भी उन्हें दी जाएंगी फ्रीडम ऑफ एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी पहले कोई भी वुमेन अपने लिए प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकती थी अब औरतों को ये हक मिलना शुरू हो गया गांधीन मूवमेंट के बाद कि वो भी अपने लिए ख़ुद की प्रॉपर्टी ख़रीद सकती हैं और पहले के टाइम पर बच्चियों को अक्सर टेम्पल्स में दे दिया जाता था फॉर द सर्विस ऑफ गॉड उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नहीं सोचता था तो अब वो भी रिमूव कर दिया गया है दे हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम द टेम्पल सर्विसेज। अब बच्चियों को उनकी मर्जी है कि वो टेम्पल में डेडिकेट होना चाहती हैं या नहीं होना चाहती अपार्ट फ्रॉम गांधीन मूवमेंट अपार्ट फ्रॉम गांधीन मूवमेंट यहाँ पर हुआ है ब्राह्मो समाज मूवमेंट अब ब्राह्मो समाज की जो औरतें हैं वो परदा सिस्टम में रहती हैं यानी कि वो घूंघट में रहती हैं लेकिन उन्हें फ्रीडम मिला है रिस्ट्रिक्शन से जो भी रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी औरतों पर डालती है उससे उन्हें फ़्रीडम मिला है उन्हें अपनी पहचान मिली है ब्राह्मो समाज मूवमेंट के बाद और लेजिस्लेटिव चेंजेस आए हैं यानी कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं लॉज में वुमेन के लिए जो मैंने आपको अभी बताए इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी फ्रीडम ऑफ मैरिज फ्रीडम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी याद रखो अब फ्रीडम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है वो है एजुकेशनल राइट right. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन ए में दिया हुआ है कि सात साल से चौदह साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है और ये हमारा फंडामेंटल राइट right भी है सो so ये जो सारे राइट्स हैं लॉज में इंक्लूड हुए हैं ये स्पेशल मूवमेंट्स के बाद जो कि हैं ब्राह्मो समाज अंड गांधीन मूवमेंट सो so इसकी वजह से वुमेन को इक्वालिटी मिली है अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि इंडिया में दूसरे देशों की तरह औरतों को अपने हक़ के लिए स्पेसिफिकली लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है अगर बाहर के देशों में आप देखोगे कि अगर किसी भी वुमेन को राइट टू वोट ना मिले तो औरतें जो हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं प्रोटेस्ट कर कर अपना हक मांगती हैं यहाँ तक कि फेमिनिज़म के लिए भी फेमेिज़म क्या होता है कि मैन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए अगर बाहर के देशों में ये ट्रीटमेंट ना मिले तो औरतें प्रोटेस्ट करती हैं तो बाहर के देशों में सफरा मूवमेंट होता है और फेमिनिज़म के लिए भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन इंडिया में जो औरत घट में रहती थी वो बाहर निकल के आई है सारे बंदिशों को तोड़ कर उसने पार्टिसिपेट किया है गांधीन मूवमेंट में ब्राह्मो समाज मूवमेंट में जिसकी वजह से उसे अपने हक़ के लिए सेपरेटली लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने मोर देन ट्वेंटी फाइव यर्स अपनी लाइफ के डेडिकेट कर दिए टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री दैट इज़ वाई उसे इक्वालिटी मिल गई है आफ्टर गांधीन मूवमेंट उसे अपने राइट्स के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है सो so, ये जो पूरा ऐसे है द अवेकनिंग ऑफ वुमेन ये इसमें बहुत ज़्यादा रिच कंटेंट है रिच कंटेंट है यानी कि ऐसे फैक्ट्स ऐसे नॉलेज की बातें लिखी गई हैं इस ऐसे में जिसकी वजह से एक तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है डिटेल्स है किसके बारे में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया के बारे में और के एम पानीकर ने इस ऐसे को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है क्लियर एंड सिंपल लूसिड स्टाइल सिंपल लैंग्वेज में इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया कैसे हुआ है अब बहुत ज़्यादा औरतें जो होती थी वो टाइम पर जैसे कि अहल्या बाई होलकर वो बहुत ज़्यादा फेमस थी वो मराठा किंगडम की आ, क्वीन थी तो ऐसे कुछ औरतों की वजह से ही आ, इंडिया में वुमेन की इक्वालिटी नहीं आई है वो सारे औरतों का सेक्रीफाइस है इट्स द कंप्लीट वुमेनहुड जिसमें सारी औरतें आ जाती हैं जिन्होंने मिलकर भारत को आज़ादी दिलाई है सो गांधी जी कहते हैं कि वुमेन जो हैं वो स्टोर हाउस है स्टोर हाउस है अनटैप्ड पावर का यानी कि स्टोर हाउस वो होता है जहाँ पर अनयूज गुड्स रखे जाते हैं तो वुमेन के लिए वो कहते हैं कि वो स्टोर हाउस है अनलिमिटेड पावर का इमेंस ताकत का जो औरतें कर सकती हैं काम वो कोई और नहीं कर सकता इसलिए गांधी जी औरतों को अपने प्राइमरी सपोर्टर कहते हैं नेशनल मूवमेंट में अब ऑथर के बारे में एक और चीज़ आप याद रख सकते हो कि के एम पानीकर के एक दोस्त थे कृष्णा मेनन जिन्होंने के एम पानीकर की तारीफ़ करते हुए कहा कि जो बुक मुझे छः साल लगते हैं लिखने में वो बुक तो के एम पानीकर आधे घंटे में लिख देगा हिस्ट्री की सो so, इससे ज़्यादा तारीफ आप क्या सुनोगे किसी शख्स की सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड द लेसन इफ़ यू डेट देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन